हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 4 के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। यह फाइनल सेट है और यह ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो। इससे पहले मैं सेट 1 और सेट 2 वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पेज से जा कर के देख सकते हैं, अथवा इसका डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ भी आप लोग को वो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखना शुरू करेंगे कौन कौन से प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो पाठ के आधार पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। शेर को सवा शेर, कहानी में मछलियों को कौन खा रहा है, तो व्हेल। अगला है बल्ब का आविष्कारक कौन थे, तो थॉमस एडिसन। दशरथ मांझी का गांव था, तो गहलोर। अगला हम लोग देखेंगे तो चाचा किनको कहा जाता था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तीन मूर्ति भवन कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। अगला दिया गया है आपको, या नीचे दिए गए शब्दों में सुधार करके लिखिए, तो इसका यहाँ पे इस तरह से सुधार हो जाएगा प्रभु, इसका हो जाएगा कोयल, इसका हो जाएगा तरबूज, इसका हो जाएगा बिहार और इसका हो जाएगा भारत। इस तरह से आप लोग इसको सिंपली नोट कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के बारे में बताइए कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया में से क्या है। जैसे यहाँ पर आप लोग को उदाहरण दिया गया, तुम मेरी चिंता मत करो, तो यहाँ तुम जो होगा वो सर्वनाम होगा। उसी तरह से झील हो जाएगा संज्ञा, मारूंगा हो जाएगा क्रिया, साहसी हो जाएगा विशेषण, सुलपानी हो जाएगा संज्ञा, आस्तिक हो जाएगा संज्ञा। अगला नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लगभग 25 शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कोई भी पशु पक्षी बिजुका के पास नहीं जाता है क्यों, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से यहाँ तक अच्छे ढंग से लिख लेंगे और परीक्षा में जाकर के इसको सिंपली उतार देंगे। अगला हम लोग देखेंगे तो आप सुबह उठ करके क्या क्या करते हैं, आप लोग का यहाँ से यहाँ तक आंसर है, इसको आप लोग यहाँ सिंपली नोट कर लेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो हम लोग नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो उसका आंसर आप लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करिए। यहाँ पर आप लोग इस तरह से इसको नोट करिए पॉज कर करके, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय।